हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी। देखिए, रोज़ रोज़ सोच के कि क्या बनाएं सब बोर हो जाते हैं, तो लंच में अगर आप ये बनाएंगे तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। इसे आप कसूरी मेथी से भी बना सकते हैं, चाहे तो घर में रखें, नहीं तो जो हरी मेथी होती है, मैंने तो वो सर्दियों में सुखा के रख ली थी, मैंने वो बनाई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज अपना तरीका आलू मेथी बनाने का। तो उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे आलू। आलू को देखिए मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू हो तो उसमें से 2 पीस कर लीजिए, अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उसमें से 4 पीस कर लीजिए। अब मैंने ये देखिए टमाटर ले लिए हैं 2 छोटे, घिसकर उनका पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने ली है मेथी। मेथी को मैंने धोकर एक छन्नी में रख लिया है। अब ये मैंने एक कढ़ाई में चिकनाई ले ली है, इसे अच्छे से पका लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें अपने आलू फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, जब हम इस तरीके से मेथी आलू बनाएंगे तो बहुत खाने में भी टेस्टी लगेंगे और वो चिपचिपे नहीं होंगे और बन भी फटाफट जाएंगे, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी हमारे पक ही जाएंगे और मेथी हमारी एक भाप लगाने पर ही पक जाती है ये वाली। ये देखिए, ये गोल्डन हो गए हमारे आलू, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे आलू फ्राई कर लेंगे, देखिए गोल्डन होने तक, और निकालने के बाद इन्हें चेक कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे आलू पक गए हैं अच्छी तरह से। देखिए, अब इनकी सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने अपने सारे आलू फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, मेरे सारे आलू तैयार हो गए हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने एक्स्ट्रा चिकनाई निकाल दी, और ये देखिए थोड़ी सी चिकनाई मैंने उसमें बचा ली है। तो ये चिकनाई हमारी पकी हुई है ऑलरेडी, तो इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम अपने सबसे पहले जीरा डाल देंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग। अब इसमें हम अपना टमाटर हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, तो अब इसमें मैंने ये डाल दिया है। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। ये थोड़ी सी हल्दी, ये धनिया पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च। मैं तीखी लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई तीखी लाल मिर्च नहीं खाता है। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब तक हमारे ये मसाले चिकनाई नहीं छोड़ देते तब तक इसे पकाएंगे। अब ये देखिए, मसाले ने चिकनाई छोड़ दी, तो हम इसमें आलू छोड़ देंगे अपने, और अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू को, जिससे कि ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब ये आलू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसमें डाल देंगे हम अपनी मेथी। ये देखिए, मेथी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये बिल्कुल ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए, जिससे कि मसाला अच्छे से आलू के अंदर तक पहुंच जाए। देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब ये मसाला अच्छे से आलू के अंदर तक पहुंच जाएगा। और इसे हम एक प्लेट से ढक देंगे, 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे मंदी आँच पर। अब ये देखिए, मैंने ढक दिया है। अब देखिए, ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, तैयार है हमारी सब्ज़ी। इसमें चाहे तो आप लास्ट में थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिक्स कर दीजिए। अब ये देखिए, ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। ये लंच बॉक्स में जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ कल।